नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। काफ़ी हो हल्ला के बाद अब कोटा से छात्रों को लाया जा रहा है। ट्रेनें शुरू हो गई हैं तमाम राज्यों में केंद्र सरकार के आदेश के बाद। बिहार में भी कई सारी गाड़ियां आ गई जिससे मजदूर वापस आए, छात्र वापस आए। अब पूर्वांचल क्षेत्र, जो सीमांचल क्षेत्र है बिहार का, जैसे अररिया, कटिहार, किशनगंज, इन तमाम जिलों के लिए भी छात्र जो हैं, इन तमाम जिलों के छात्र अब वापस आएंगे। इनके लिए भी अब पहली गाड़ी खुलने वाली है। कोटा से खुलने वाली है कटिहार के लिए एक ट्रेन जिसमें 4 जिलों के छात्र होंगे। आप लिस्ट देखिए, आप देख सकते हैं 5 मई 2020 को गाड़ी खुलेगी 11 बजे दिन में कोटा से कटिहार के लिए। इसमें आप देखेंगे कोच नंबर 1 से 6 तक कटिहार के छात्र होंगे। रिपोर्टिंग टाइम होगी 7:30 AM। अररिया के लिए 7 से 11 नंबर कोच में अररिया के सिर्फ छात्र होंगे। रिपोर्टिंग टाइम उनका है 8:15 AM। किशनगंज की बात की जाए तो किशनगंज में 12 से 14 कोच तक के छात्र होंगे जिसका रिपोर्टिंग का टाइम है 8 से 45 AM। और पूर्णिया के लिए जो गाड़ी है कोच नंबर 15 से 22 ये पूर्णिया के लिए खुलेगी तो इसका रिपोर्टिंग टाइम है 9:15 AM। कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के लिए ट्रेन खुलने वाली है। कोटा में फंसे छात्र को लेकर आपको पता ही है किस तरीके से हो हल्ला मचा था। बिहार में लगातार तमाम राजनीतिक दल भी सरकार को निशाने पर ले रही थी। केंद्र सरकार पर बार बार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था तमाम राज्यों की तरफ से कि ट्रेनें चलाई जाए। सरकार ने बात को मान भी लिया और अब सरकार के बात मानने के बाद ट्रेनें शुरू हो गई। बिहार में भी कई सारी ट्रेनें आई। पटना के दानापुर में पहली ट्रेन आई और उसके बाद बिहार के बरौनी में, गया में, कोटा के छात्रों से भरी हुई ट्रेन पहुंची। अब सीमांचल क्षेत्र जो कि कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो और भी कई क्षेत्र हैं, कई ज़िले हैं, वहाँ के बच्चों को भी लाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। गाड़ी खुल जाएगी और वहाँ के छात्र जो बिहार के इन जिलों के छात्र हैं, सीमांचल क्षेत्रों के छात्र हैं, वो भी अपने राज्य वापस लौटेंगे। लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, ऐसे में सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी। बिहार के जितने भी लोग बाहर फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। आने वाले वक्त में पता चलेगा और क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं। फिलहाल आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।